आइए सर, हर तरफ है शोर सर, आ गया 24 सर, ये है जो डे 4 सर, उसमें हमारे श्री किशोर सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर। दोस्तों आज के प्रोग्राम के माय लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये पूरी सुनामी देख के एक सेंटेंस मेरे मन में आया और वो भाई बोलना चाहता हूं, क्या आप सुनना पसंद करोगे? यस। सुनना पसंद करोगे? यस। तो दोस्तों माय लाइफस्टाइल का प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में वो सेंटेंस है, आज के इतना बड़ा क्राउड देख के वो सेंटेंस मुझे याद आया और मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं माय लाइफ के बारे में। है माय लाइफस्टाइल, तुझे खुदा ने दिया है कितना। है माय लाइफस्टाइल, अरे तुझे खुदा ने दिया है कितना, अरे तेरे शोरूम में इतना तो तेरे गोडाउन में है कितना। तो थैंक यू दोस्तों, आज है मुझे ये मौका मिला, एक आम आदमी, मेरा नाम किशोर आहिरे, प्रॉपर नासिक। दोस्तों ये बिजनेस से पहले मैं प्राइमरी टीचर हुआ करता था और एक मिडिल क्लास से लाइफ तो चेंज होगी दोस्तों, जो आज मेरा खुद का भी भरोसा नहीं होता। आम आदमी को खास आदमी बनने का जरिया यदि भारत में कोई है, वो एक ही स्टेज है दोस्तों, जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल। यस। दोस्तों आज ये मौका जो हमारे लाइफ में आया, लेकिन इसके लिए जो विजन मिला, हमारा टॉप मैनेजमेंट, हमारा गॉड फादर, जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के उद्योग सम्राट के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आज उन्हीं की वजह से करोड़ों लोगों के घर में आज रुपया जा रहा है, हजारों जा रहा है, लाखों जा रहा है। वो एक ही इंसान है मानव के रूप में, जो देवता से कम नहीं, वो एक ही दोस्तों, मिस्टर प्रवीण जय चंदन सर। और दोस्तों खदान वैसी मिट्टी, आज हमारे गॉड फादर जी के जिस तरह से आज लोगों के लिए विजन मिला दिया, आज हमारे साथ 23 साल का ही सफर है ये मैनेजमेंट का, लेकिन हम हमारा नेक्स्ट जनरेशन का भी भविष्य हमसे भी ज्यादा यदि उज्जवल जिनके नजर में देखने जा रहे, उनका नाम है फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन विजनरी अमड़ी, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर निखिल जी चंदन सर। और दोस्तों हमारे लिए आज हमारे कैलाश भट्टर सर जी, सुनील सर जी, सिल मैथ्यू सर, आलोक जी पांडे सर, और आज हमारे आरएम साहब श्रीकांत सर, ये जो टोटल मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है दोस्तों, आज इन्हीं की वजह से ही आज एक प्राइमरी टीचर का नौकरी होती हुई भी छोड़ने का हिम्मत किया, उसका एक ही रीजन है दोस्तों, हमारा टॉप मैनेजमेंट का विजन, हमारे अपलाइंस का सपोर्ट, मैडम मुरलाल फंसारकर जी, राजे जी यादव सर, बद्रे चौहान सर, इन सबके सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज मैं यूटीसी रैंक पे हूँ, 4 आइडियाज मेरे सीलिंग पे है। दोस्तों आज मेरा ये रैंक जितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज यहाँ पे जो भी फैमिलीज है उनको भी भगवान ने बच्चे दिए हैं, ये बिजनेस शिप करना है दोस्तों, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो आज भले 8 साल का हो, 10 साल का हो, लेकिन यही मेरा विजन में बोलना चाहता हूँ, आज जैसे मेरे बच्चे भावेश और तेजस का भविष्य ये बिजनेस ने बनाया, वैसे आपकी भी घर में जो भावेश और तेजस है, उनका भविष्य भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायस में मिलेगा, और है माय लाइफस्टाइल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये बोलने के लिए तो दोस्तों पूरी रात भी कम पड़ेगी, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक एग्जाम्पल देके आज का मेरा मैसेज खत्म करना चाहते हो। आज आपको जिसने भी लाया, इन्विटेशन दिया, कई बार हम भगवान को कोसते, अल्लाह को कोसते, अरे मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ तू भी दे दे। आज आपको जो दिया, जिसने लाया, उसने पूरा भारत का नंबर वन अपॉर्चुनिटी आपको दिया,
वो भगवान के रूप में आए हैं, लक्ष्मी के रूप में आए, बालाजी के रूप में आए, कुबेर के रूप में आए, जिन्होंने आपको बुलाया। फिर भी कई लोग समझ नहीं पाते, फिर भी कई लोग डाउट लेते, अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी वो समझ नहीं पाते। तो उसके लिए मैं छोटा एक एग्जांपल देता हूं, समझ गए तो लाइफ का झींगा लाला, नहीं समझे तो साला लाइफ का झींगा बूंदी। ध्यान से सुनना वो अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल, क्योंकि इधर ही समझने के बाद हंसने का मजा इधर ही है। तो साला घर में जाके हंसा तो घर वाला पूछेगा किधर गया था, जो उधर का इधर ले घर तक लेके आया। तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है, हमारा नासिक का जो एक कॉलेज है, एक बार क्या हुआ, कॉलेज के लड़के और लड़कों का एक कैंप बना, और वो कैंप श्रमदान कैंप कहते हैं, कॉलेज का एनसीसी कैंप कहते हैं। वो कैंप आया दोस्तों 4 दिन के लिए, जो हमारा हिल स्टेशन है लोनावला खंडाला, वो लोनावला खंडा हिल स्टेशन वो कैंप आया। 2-3 दिन बच्चों ने बहुत मेहनत किया, और उसमें से कई बच्चे टीचर को बोले सर 1 दिन के लिए तो हमने घूमने के लिए लोनावला खंडा तो लेके जाइए, जहाँ पे चिक्की वगैरह खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, कितना परिश्रम करवाओगे। टीचर ने मान लिया, हाँ बोल दिया, सब लड़के लड़कियां लोनावला खंडा दिन भर घूमे, ये लिया वो लिया। और उस टीचर ने बोल दिया था शाम को अंधेरा होने से पहले बस में बैठना और अपना कैंप में आ जाना। सब लड़के बोले थे यस सर। शाम हो गई, बच्चे बस में बैठे, कैंप की तरफ रवाना हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जहाँ पे बस रुकी थी एक लड़का वहां पे आया, उसने देखा बाकी बच्चे किधर गए, उसके दिमाग में आ गया बस साला बस तो चली गई। उसके बाद और एक लड़की भी आई, वो भी बस किधर गई उसको पूछ रही, बोल रही बस चली गई। बोले आप उन दोनों ही बच्चे अभी, तो बोले आप उन भी चले जाते अभी। तो निकले, अंधाधुंध से निकले, अंधेरा हो गया, भटक गए इतनी बड़ी पहाड़ियों में, कहां उनको अपना कैंप मिले। दोनों चिंतित हो गए, कैंप तो नहीं मिलेगा, रात कितनी कदियर गुजारनी। लड़का बोला डरो मत, जो हो गया सो हो गया, अभी रात तो यही गुजारनी है। लड़की के चेहरे पे थोड़ा डरावना हुआ, एक लड़का एक लड़के कहां सोए, कैसे जाए, सुबह कैसा हो, क्या होगा क्या नहीं, ना हर एक तरह के क्वेश्चन आए। वो लड़का बोला डरो मत, अपुन यहीं पे सो जाते हैं, ये जो घास है इसका मैं तकिया बनाता हूं, अपने दोनों के बीच में एक तकिया बिछा देता हूं, तू उधर मुंह करके सो जाना, मैं इधर मुंह करके सो जाएगा। अरे कबूल सो गए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह के 5 बजे, और ये लड़का उठा और उसने लड़की की तरफ देखा, सोई है। तब तक उसने सोचा जाके थोड़ा ढूंढ के आके अपना कैंप किधर है। जैसे थोड़ा दूरी पे गया वो, उसको पहाड़ी नजर आई, पहाड़ी चढ़ के गया तो सामने कैंप नजर आया, वो भागते भागते आया और उसको उठाने लगा। उठ, तो क्या हो गया, कुछ नहीं, अपुन पागल है, रात को सिर्फ इतना पहाड़ी क्रॉस कर देते, अपुन पहुंच जाते अपने ध्येय पे। बोले हाँ, तू रात को पहाड़ी क्रॉस करता, साला तूने रात में तकिया पलटी नहीं किया तो साला तू पहाड़ी का पलटी कर देता। अपॉर्चुनिटी इसमें का मकसद अपॉर्चुनिटी का लेना, बाकी सब मेरी छोड़ देना। आपको भी जिसने लाया उसने माय लगा, अपॉर्चुनिटी दिया इसे ले लो, और जिंदगी का साला गरीबी का तकिया पलटी कर दो। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।